कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल न्यू सेगमेंट K22 टॉपर स्टॉक। एवरी टाइम K रिजल्ट केम आउट देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ एक्साइटेशन एंड एंड एंग्जायटी एग्जिस्ट अमंग द स्टूडेंट। टुडे वी हैव मिस्टर संग्राम कांजीलाल सर विद अस हु स्कोर ऑल इन रैंक इन 52 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। He did his BTEC from in electrical from Jadavpur University in 2022. He joined IOCL as a grade A officer. Congratulations, sir. Thank you, Vishal, for inviting me to this Topper's Talk, and I am privileged to be a part of BLSI for all Topper's Talk. Sir, first of all, again, congratulations for securing this rank, the dream rank, should I say. And tell us about the preparation, sir. When did you start the preparation? Okay, so मैं हिंदी में थोड़ा बात कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था। तो फोर्थ सेमेस्टर में मुझे उतना गेट के बारे में पता नहीं था। एक्चुअली मेरे कुछ सीनियर्स थे जो गेट में बहुत अच्छे रैंक निकाल रहे थे तब, और उन लोगों में से कुछ लोग PSU भी चले गए थे। एक सीनियर थे जो IOCL में थे, तो उनसे मैंने पूछा कि मतलब कैसे ये PSUs काम करती है एंड वाई यू जॉइंड अ PSU। सो ये सब जानकारी मुझे उनसे मिला, मतलब सीनियर से गाइडेंस मिला। तो उनसे ही पता चला कि गेट ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम MTech भी कर सकते हैं IITs में अगर अच्छी रैंक आए, और एक अपॉर्चुनिटी भी है जो है PSU, वो भी एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। तो वही से मेरा एक मतलब टारगेट हो गया था कि मतलब गेट मुझे निकालना है, क्योंकि मैं कोडिंग थोड़ा बहुत करता था शुरू में जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में था, जो सबके कॉलेज करिकुलम में रहता है वैसे, पर मुझे उसमें उतना फील नहीं आता था। जो कोर सब्जेक्ट है मेरा, जो विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोर रिलेटेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स, तो उसमें मुझे ज्यादा मजा आता था। मीन्स समथिंग विच आई कैन विजुअलाइज, दैट मेड मी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोर इंजीनियरिंग ब्रांच इलेक्ट्रिकल। सो वही मतलब इसलिए मैंने गेट का प्रिपरेशन चालू किया फोर्थ सेमेस्टर से। तो मैंने मेडिसी ज्वाइन किया था, मेडिसी कोलकाता सेंटर हियर इन कोलकाता। तो उधर ही से मेरा प्रिपरेशन चालू हुआ, पर फिर कोविड आ गया और लॉकडाउन भी हो गया, तो जो ऑफलाइन कोर्स था वो ऑनलाइन हो गया था। तो इट वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन, मतलब ऑफलाइन में जब आप क्लास जाते हैं तो टीचर जब कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत इजीली वो सेट हो जाता है। पर जब ऑनलाइन क्लासेस होने लगे तो ऐसा हुआ कि मतलब खुद से नोट्स बनाओ, खुद से उसको समझो, पढ़ो बार बार, वरना वो दिमाग में सेट नहीं होता है। तो एक एक सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता था, पर एडवांटेज ये भी था कि हम बहुत अच्छे नोट्स भी बना लेते थे, क्योंकि वीडियो पॉज करके हम बैक जा सकते हैं, ये एक एडवांटेज है ऑनलाइन में। तो वही मतलब ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स थे मैंने ऑनलाइन ही कंप्लीट किया, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों साल लगे। तो वही मतलब शुरू में थोड़ा डर लगता था कि मतलब रैंक आएगा या नहीं आएगा। फिर मतलब सीनियर्स ने भी बोला कि रैंक के बारे में मत सोचो, अपना काम करते रहो, यू वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, बट यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट इन द एग्जाम। तो इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, जो दोनों साल में चाहिए होता है। तो वही मैंने मतलब किया शुरू से ही, मतलब फोकस्ड था गेट देना है, तो वही पढ़ता रहा, सिलेबस भी कंप्लीट किया, और उसके बाद रिवीजन टेस्ट सीरीज जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वही मैंने फॉलो किया। सर आगे गेट्स और गेट में के जर्नी के और सवाल पूछने से पहले, आपने अपने टाटा स्टील के मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी 6 महीने काम किए, जो आपको वो आपके बारे में बता सकते हैं, आपको कैसे मिला जॉब, वो पूरा प्रोसेस? हाँ, तो मैं जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, इसका और एक एडवांटेज भी है, वो है कि अगर आप कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो जो प्लेसमेंट आपके कॉलेज में होता है, और अगर कोर कंपनीज आती है इलेक्ट्रिकल के, तो वो सारा कवर्ड हो जाता है गेट के सिलेबस में। तो वही हुआ, मेरा जब थर्ड ईयर था तो टाटा स्टील केम ऑन कैंपस फॉर इंटर्नशिप। तो वही मुझे मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया, GD क्रैक किया, तो उससे मुझे इंटर्नशिप मिला टाटा स्टील में, एंड देयर आई हैड अ 2 मंथ्स समर इंटर्नशिप and I performed well, so they gave me a PPO after third year, which is a pre-placement offer. तो वही फिर मतलब एक बैकअप प्लान भी हो गया, मतलब गेट के साथ साथ मेरा एक प्लेसमेंट भी लग गया फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, तो दैट मेड इट स्लाइटली इजियर फॉर मी टू फोकस मोर ऑन गेट। तो फिर मैंने आफ्टर फोर्थ ईयर जब गेट खत्म हुआ और मेरा बहुत अच्छा रैंक आ गया, तब एक गैप था बिटवीन द PSU इंटरव्यूज एंड द गेट रिजल्ट। So, वही टाइम में मैंने सोचा कि आई शुड ज्वाइन टाटा स्टील बिकॉज इट इज अ वेरी बिग फर्म,
एंड आई कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट. जो थ्योरी नॉलेज था उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक प्लांट में देखने को मिला, तो वहां से भी मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था. ओके सर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सर आपने अपना एडुकेशन प्लान कैसे, मतलब गेट का प्लान कैसे किया था सर? ओवरऑल जैसे टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, PYQ टेस्ट लगाने, आपने कैसे कैसे सॉल्व किया सर, आप बता सकते सर? हाँ, तो ये इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो पीरियड आता है, जो लंबा सबसे लंबा रहता है, वो सिलेबस कंप्लीशन. पहले फोकस इसी पे होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट कर ले अच्छे से, और एक एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़े, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको हाईलाइट करते जाए, और जो PYQs है उनको सॉल्व करे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद. तो जब ऑल सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, देन वी कैन स्टार्ट आवर रिविजन प्लान. मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल तो लग ही जाता है ये सब करने में, मतलब सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी वास्ट ब्रांच इन इटसेल्फ. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो 3 कोर सब्जेक्ट्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और पावर सिस्टम, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, तो ये कंप्लीट करने में और मास्टरी करने में बहुत टाइम लगता है. तो ये मतलब यही मेन पार्ट होता है पहले, कि सिलेबस ठीक से कंप्लीट करो, कोई अच्छा एक लेक्चर फॉलो करो, एक अच्छा गाइड चुनो, और वहां से कोई भी रिसोर्स हो कंप्लीट करो पूरा सिलेबस. कंप्लीट करने के बाद फिर आता है रिवीजन, मतलब आप एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, उसके PYQ सॉल्व करो, और जो डिफिकल्ट PYQs है, जो आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं बनते हैं, उनको मार्क करते जाओ. तो इसमें क्या होगा, जब आप सेकेंड टाइम रिविजन करेंगे, सारे PYQs आप नहीं करेंगे, वही करेंगे जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको, मतलब जो आपने मार्क किया था, इसमें थोड़ा हेल्प हो जाता है. और वही मतलब ये सब करने के बाद, फर्स्ट रिविजन सेकेंड रिविजन होने के बाद, फिर सब्जेक्ट टेस्ट देने चाहिए. मतलब इससे आपको पता चलता है कि टाइम के साथ आपका सिंक कितना अच्छा हो रहा है. मतलब आपको गेट जैसा एक पैटर्न भी मिलेगा, गेट का कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे आपका रियल एग्जाम फीलिंग भी आता है. तो इसके साथ हम जब सब्जेक्ट टेस्ट शुरू करते हैं, तो पहले शुरुआत में अच्छी मार्क्स नहीं आते, तो थोड़ा कम आता है, तो तब लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो मुझे भी लगता था पहले, पर मेरे सीनियर से बहुत गाइड किया इस बारे में, कि मतलब थोड़ा कम मार्क्स आ गया एक सब्जेक्ट टेस्ट में, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आप उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, आप देखिए कि क्या क्या गलती आपने किया है उस टेस्ट में, नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए. ऐसे ही धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा और आपके सब्जेक्ट में मास्टरी भी बढ़ेगा, और बीच में वो सब्जेक्ट आप भूल ना जाए, इसके लिए रिविजन भी करना चाहिए. तो जब सारे सब्जेक्ट टेस्ट आपके खत्म हो गए, तो आप एक गुड लेवल पे पहुंच जाएंगे. उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देना चालू कीजिए, जब रियल एग्जाम के 2-3 महीने बचे हुए हैं तब. तो रियल फुल लेंथ एग्जाम का भी वही सेम स्ट्रेटेजी होता है, कि एक फुल लेंथ आप देंगे पहले, उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा, आपके एक्सपेक्टेशन को वो टच नहीं कर पाएगा. तो पहले एग्जाम में डिमोटिवेट मत होइए, उसको देखिए कि क्या क्या नहीं हुआ आपसे, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्रूव कीजिए. तो ऐसे धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते जाता है, और फाइनल एग्जाम से पहले अच्छा मार्क्स आ जाता है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो. सर थैंक यू फॉर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने रिवीजन और टाइम टेस्ट सीरीज में किसको किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, और आइडल किस कैसे होनी चाहिए सर दोनों के? तो ये दोनों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आप रिविजन नहीं करेंगे, तो आप पुराने सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं वो सब भूल जाएंगे, और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, तो आपका स्पीड इम्प्रूव नहीं होगा और एक्यूरेसी भी नहीं. तो मतलब रिविजन एंड टेस्ट सीरीज शुड गो हैंड इन हैंड. मतलब आप टेस्ट भी दे रहे हैं और 2 दिन रिवाइज कर रहे हैं, 3 दिन रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद और एक टेस्ट लिख रहे हैं, ऐसे करके करना चाहिए. सॉल्विंग द क्वेश्चंस और रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट सर, उसमें क्या किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए सर? हाँ, तो ये भी वही बात हुई, कि मतलब आप अगर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, मतलब रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे पहले अटेम्प्ट में, तो वही जो नहीं बनेंगे उनको मार्क कीजिए, फिर से देखिए कि वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बन रहा है आपसे, आप सॉल्यूशंस देखिए, ट्राई कीजिए दोबारा खुद से ना देख के. तो यही करते करते आपका इम्प्रूवमेंट होगा. मतलब रिविजन आपको करना ही है, every 20 days आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ना ही है एक बार, और इसके साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाना है, मतलब दोनों ही करना चाहिए. अगर आप एक को छोड़ देंगे, तो दूसरा वाला छूट जाएगा. सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए सर एक गेट के सर?
हाँ, गेट देने से पहले सारे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट थे और रिवीजन भी सारे सब्जेक्ट के किए थे, क्योंकि अगर आपका टारगेट ऊंचा है, मतलब आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए, तो आप सब्जेक्ट्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कब किसका वेटेज कितना आ जाए वो पता नहीं चलता। जैसे हमारे ईयर में 2022 में, इससे पहले जितने भी पेपर्स हुए हैं, एनालॉग का वेटेज थोड़ा कम रहता था इलेक्ट्रिकल में, पर हमारे साल एनालॉग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो अगर आप एनालॉग को नेगलेक्ट कर दोगे, तो आपके साल अगर ज्यादा क्वेश्चन उससे आ गया तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो और ट्राई करो कि सब में आपका अच्छा मतलब मास्टरी जाए। सर, इन द लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर द गेट एग्जामिनेशन, पीपल स्टूडेंट्स बीच में एंजाइटी हो जाती है कि अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिए तो वो जो 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 क्वालिटी किया उसको भी खराब कर देते हैं, या उसको कैसे टैकल करने से। हाँ, तो ये है कि अगर किसी ने मतलब बहुत टाइम लगा दिया है और उसके बाद उसके एक दो सब्जेक्ट रह गए हैं और बाकी सब कंप्लीट हो गया है और एग्जाम के 2-3 महीने बचे हुए हैं, तब उसको नया सब्जेक्ट ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नया सीखने का कोशिश भी करेगा उसमें उतना मास्टरी नहीं हो पाएगा वो टाइम में। तो जितना वो कर चुका है ऑलरेडी उसको ही रिवाइज करे और टेस्ट सीरीज दे, उसके बेसिस पे खुद को जज करे कि कितना आ रहा है और उसी के साथ एग्जाम में बैठे। क्योंकि मतलब 50 मार्क्स जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गेट में, 50 मार्क्स जो होता है वो 5 से 6 सब्जेक्ट में आ जाता है अगर आपका अच्छा मास्टर जाए तो, जिसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एप्टीट्यूड और मैथ्स का, जो मतलब हर एक वीक में तो प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रैक्टिस रहता है तो स्पीड एंड एक्यूरेसी भी मेंटेन रहता है। आपका पहला जो 30 नंबर होता है, 30 मार्क्स, वो 30 मार्क्स आपके एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से आ जाएगा अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे हर रोज या हर वीक में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद बाकी जो 20 मार्क्स है वो भी कुछ 2-3 सब्जेक्ट से आ जाएंगे आपके, तो 5 या 6 सब्जेक्ट इज एनफ टू स्कोर 50। इसके बाद जो बाकी 30 या 40 मार्क्स रहता है, जो रैंक डिसाइडर है, ये आपके इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट जो बड़े सब्जेक्ट से उनसे डिसाइड होता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि सर आपने गेट एग्जामिनेशन फाइनल ईयर में क्रैक किया है, तो आपने ओवरऑल बैलेंस कैसे किया सर, कॉलेज स्टडीज, के स्टडीज एंड ओ एंड थर्ड, आपके आपके थर्ड भी है प्लेसमेंट, सर आपने कैसे कैसे हाँ हैंडल किया। हाँ तो यही यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं जब छोटा था तब से ही, मतलब मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा, मेरा पैशन भी है क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं तबला भी बजाता हूँ, तो ये भी है, तो ये दोनों ही मैं बैलेंस करके चलता था जब मैं छोटा था तब से ही। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको अगर सब कुछ बैलेंस करके चलना है तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो जब ये कोविड हो गया था, मेरे जो दोस्त थे बहुत सारे लोग मतलब कम पढ़ते थे, ऐसा कहते थे कि अब छोड़ो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पर मेरा फोकस था गेट, मुझे पता था मुझे अगर टॉप में जाना है तो मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं हर रोज पढ़ता था और मेरा टाइम था ऐसा कि मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ा बहुत दिन क्योंकि कोविड था, तो मैं ऐसा करता था कि मैं सुबह उठ जाता था बहुत सुबह, मतलब अराउंड 5 5 AM मेरा ये हैबिट था, तो मैं उठ जाता था 5 AM, तो मुझे बहुत टाइम मिल जाता था 5 AM टू मतलब रात तक बहुत टाइम था। तो वही मैं सुबह पढ़ लेता था 5 AM टू 8 AM, जो टाइम होता है बहुत शांति रहता है, कोई साउंड नहीं रहता है, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके दिमाग बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, तो वो टाइम मैं बहुत अच्छा यूटिलाइज करता था, उस टाइम में पढ़ लेता था। फिर मैं अपना खुद का भी काम कर लेता था, कुछ कॉलेज का भी काम हो गया, कुछ 1-2 घंटे दे दिए उसमें, फिर से गेट का चालू कर दिया। मतलब गेट मेरा मेन फोकस था, उसमें मैं मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ टाइम है एक दिन का वो दे देता था, और बाकी जो है वो कॉलेज स्टडीज, मेरा म्यूजिक हो गया, वही सब करता था। तो उसमें भी मैं 2 घंटा या 3 घंटा दिन का देता था, पर 2-3 घंटा इफ आई डिडक्ट फ्रॉम द डे देन आल्सो देयर आर मेनी आवर्स, मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डे स्टिल लेफ्ट, तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं गेट के लिए। ओके सर, सर एट दी एंड सर आपने अपने आपको अपने मोटिवेशन बता दी सर, तो एक गेट से पीएसयू जाने का एंड वर्किंग इन द टाटा, लाइक हाउ मच डिफरेंस यू ऑब्जर्व इन द मीन टाइम सर, बिकॉज आई ऑलरेडी वर्क एज अ 6 मंथ इन टाटा एंड नाउ यू ऑल्सो वर्किंग इन आईओसीएल सर। हाँ, तो ये मतलब ये है कि मैं जब टाटा स्टील ज्वाइन किया था, मतलब मेरा फोकस यही था कि मुझे मैक्सिमम लर्निंग करना है वो टाइम में 6 मंथ्स में जितना हो सके, क्योंकि साथ ही साथ पीएससी उसके इंटरव्यूज भी चल रहे थे, तो मुझे पता था कि मेरा मेन फोकस तो पीएससी हुई है, क्योंकि मैंने जब गेट का टारगेट लिया था मेरा मेन फोकस था पहले मैं पीएससी हुई जाऊंगा, क्योंकि पीएससी उज ओनली एक्सेप्ट करेंट ईयर गेट स्कोर्स, मतलब 2022 का गेट स्कोर है तो आपको 2022 में ही पीएससी में जाना है, या फिर एमटेक आप 3 साल में कभी भी कर सकते हैं, मतलब 2022 का स्कोर है तो 2024 तक आपका स्कोर वैलिड है फॉर एमटेक।
तो मेरा टारगेट पहले यही था कि मुझे पीएसयू जाना है, वहां का वर्क कल्चर एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैं जब टाटा में था तब तो मैं सीखता ही था, वहां का जो वर्किंग कल्चर है ये सब मैं देखता भी था, तो सब कुछ सीखा भी वहां पे। प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है नॉलेज का वो मुझे सीखने को मिला, मतलब प्लांट विजिट होते थे वहां पे, मैं देखता था कि करंट ट्रांसफार्मर ये सब जो हम पढ़ते हैं ड्रॉ करते हैं, इससे प्रैक्टिकल दुनिया में जो हो रहा है वो कितना अलग है, वो सब वहां पे जाके सीखने को मिला। और अभी तो जब IOCL ज्वाइन किया, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए है मेरे IOCL में, पर यहाँ पे आके भी एक अच्छा लगा। मतलब ऐसा था कि मैं पहले जमशेदपुर में पोस्टेड था जब मैं टाटा स्टील में था, तो जमशेदपुर इज मोर लाइक अ सिटी, मतलब वहां पे सब फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज आर जस्ट लाइक कोलकाता ओनली। कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी, तो उसी के जैसे मतलब मॉल रेस्टोरेंट्स एवरीथिंग यू विल गेट इन जमशेदपुर। बट जब मैं IOCL ज्वाइन किया तो नाउ आई एम पोस्टेड इन डिगबॉय आसाम, सो इट इज इन अपर आसाम, सो द लाइफ देयर इज मोर पीसफुल एंड इट इज लाइक यू आर मोर क्लोज टू नेचर, इट इज पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और आपको अगर मतलब ये दुकान मार्केट ये सब चाहिए तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, मतलब इट इज अ स्मॉल टाउन एंड यू हैव टू गो टू प्लेसेस इन ऑर्डर टू बाई थिंग्स। तो वही मतलब एक ट्रांजिशन हुआ मेरा, पहले मैं शहर में था वहां से एक और शहर में गया, तो उतना डिफरेंस मुझे जमशेदपुर में फील नहीं हुआ जब मैं टाटा स्टील में था, पर वहां से जब शिफ्ट हुआ डिगबॉय में तो थोड़ा एक ट्रांजिशन फेज था, मतलब मुझे वहां पे थोड़ा जाके घूम के देखना पड़ा कि कहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। तो डिगबॉय के आसपास जो है 40 मिनट लगता है वहां से गाड़ी में, तिनसुकिया बोल के एक टाउन है, तो वहां पे सब मिल जाता है, पेंटालून ट्रेंड्स KFC एनीथिंग यू वांट वो सब वहां पे मिल जाता है, सिनेमा हॉल्स। पर डिगबॉय से वहां ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा आपको वो लेने के लिए। तो वही मतलब शहर में ऐसा था कि आप निकल गए कभी भी 5 मिनट दूरी में मॉल है, तो वो वहां पे नहीं हो पाएगा, पर वहां का लाइफस्टाइल एक अलग है, मतलब आपको अच्छा लगेगा अगर आप शहर से वहां पे जाएंगे तो, मतलब देयर इज वेरी लेस नॉइस एंड इट्स वेरी पीसफुल, आप एंजॉय कर पाएंगे। और IOCL के सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे, जैसे कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट इसके लिए ग्राउंड्स है, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट एंड स्विमिंग पूल, एनीथिंग यू वॉन्ट, सो एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अकोमोडेशन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक्स सर। सर वी आर द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू सर, एंड एट द एंड ऑफ स्टॉपर्स पाउडर, एंड बिफोर रैपिंग अप द इंटरव्यू सर, क्यूड यू गिव सम मोटिवेशन टिप्स टू आवर व्यूअर्स सो दैट आफ्टर वाचिंग दिस दे फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ इज नॉट स्मूथ, लाइक आप चाहेंगे कि एक ही जैसा चले ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपके बुरे दिन आएंगे, कभी कभी अच्छे दिन भी आएंगे, तो अच्छे दिन में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और बुरे दिन में ज्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होना है, यू हैव टू कीप गोइंग वट एवर द सिचुएशन इज। सो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये कोट मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता था इस कोट से, कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, तो ये मुझे बहुत मोटिवेट किया इस कोट ने प्रिपरेशन के दौरान। तो यही मतलब इसी बात के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डूइंग दिस सर। थैंक यू।